वो क्या चीजें हैं जो आपने करी जिसकी वजह से ये ऑल इंडिया रैंक 3 आ पाई, ये सब जानना चाहेंगे और उन बच्चों तक पहुंचाना चाहेंगे जिनको लगता है कि यार ये रैंक लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सर, सीए की तरफ इंटरेस्ट मेरा जगह 12th क्लास में। एक्चुअली जब मैंने कॉमर्स ली तभी मैं थोड़ा स्टडीज में इंटरेस्टेड हुआ, उससे पहले मैं एवरेज स्टूडेंट ही था। शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई का या फिर कितने घंटे पढ़ाई करते? सर, जब मैं भी सीए में आया था तो मैंने भी सुना था कि 17-18 घंटे पढ़ना चाहिए, बट ये तो टोटली मिथ है, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। Welcome to the fresh episode of Grooming Education Academy. Hello, I am Yash Bansal, faculty at Grooming Education Academy. Hello everyone, my name is Nishant Katoj, faculty at Grooming Education Academy. So yes sir, क्या आप जानते हैं कि आज के हमारे इस fresh episode में हमारे guest कौन रहने वाले हैं? हाँ जी सर, मैं जानता हूँ, आज हम उस बच्चे की बात करने वाले हैं जो सुबह उठ के पानी से कम और मोटिवेशन से ज्यादा नहाता था, जिसने अपनी कठिनाइयों से ज्यादा अपने लक्ष्य की प्राप्ति पे ध्यान दिया और जिसने कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया, और जब भी डिप्रेशन की सिचुएशन आई तो उसने सिर्फ एक लाइन बोल के उस डिप्रेशन के थॉट को दूर भगा दिया, हट मवाली भाव नहीं दिया रे। मिस्टर मानित सिंह भाटिया, जिन्होंने सीए इंटर मई 2024 के अटेम्प्ट में ऑल इंडिया थर्ड रैंक सिक्योर किया है, और इसी के साथ सीए फाउंडेशन में उनका जो स्कोर था वो था 320 मार्क्स। अगर मैं उनके सीए इंटर के मार्क्स में यहां पे आपको बताऊं, जो हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स है वो है उनके कॉस्टिंग में 96, ऑडिट में 93 एंड एडवांस अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में 86 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया है। एंड इन बोथ, यानी कि सीए फाउंडेशन और सीए इंटर में, वो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के ही पार्ट थे, उन्होंने यहीं से अपनी क्लासेस ली थी। तो सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे मानित सिंह भाटिया जी का, हु स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 3 इन सीए इंटर मई 2024 एग्जाम। तो वेलकम बेटा जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच जी आपका आने के लिए। आज हम आपसे ना सारी की सारी आपकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में, आपकी स्ट्रेटजी के बारे में, कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपने करी जिसकी वजह से ये ऑल इंडिया रैंक 3 आ पाई, ये सब जानना चाहेंगे और उन बच्चों तक पहुंचाना चाहेंगे जिनको लगता है कि यार ये रैंक लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग के अंदर कैसी स्टडीज थी और उसके बाद आपका मतलब सीए की तरफ इंटरेस्ट कब जगा? सर, सीए की तरफ इंटरेस्ट मेरा जगा 12th क्लास में। एक्चुअली जब मैंने कॉमर्स ली तभी मैं थोड़ा स्टडीज में इंटरेस्टेड हुआ, उससे पहले मैं एवरेज स्टूडेंट ही था। तो जब मैं कॉमर्स में आया तो मुझे स्टडीज़ में इंटरेस्ट बना, तो मैंने सोचा कि कॉमर्स की बेस्ट फील्ड को परस्यू करते हैं, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ गया। तो 12th में ही मैंने फॉर्म भरा था, अगस्त 2022 में मैंने रजिस्ट्रेशन करी थी और फिर जून 2023 में मैंने अपना फाउंडेशन क्लियर करा था। तो 11th 12th से कहीं ना कहीं आपकी कॉमर्स के प्रति एक रुझान चालू हुआ, जहां पर आपको एक अच्छा लगा कहीं ना कहीं कि सीए को कंटिन्यू करना है, परस्यू करना है। हाँ जी सर। और 10th से पहले की क्या आपकी बैकग्राउंड था, पढ़ाई को क्या समझते थे कितने, या पहले भी एक स्टूडियो स्टूडेंट रहे थे उससे पहले? नहीं सर, पहले मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं स्कूल में मतलब बैक बेंचर वाला स्टूडेंट था, जो ज्यादा स्पोर्ट्स में भी काफी इन्वॉल्व था और स्टडीज में तो बिल्कुल नहीं था 10th तक। स्टडीज में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे। 10th की क्या परसेंटेज रही होगी आपकी? सर, 10th में 91% आया था, और उसका सारा कंट्रीब्यूशन मेरी सिस्टर को जाता है, क्योंकि जब प्री बोर्ड की डेट शीट आई थी तो उसने मेरा पूरा टाइम टेबल बना के उसने मेरे को ज़बरदस्ती पढ़ाया था। लेकिन फिर फाइनल एग्जाम्स तो हमारे कैंसिल हो गए थे ड्यू टू कोविड, बट जो प्री बोर्ड में मार्क्स जो अच्छे आए थे उसकी वजह से फाइनल परसेंटेज अच्छी बन गई। तो अभी आप कह रहे थे कि शायद 10th तक आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, उसके बाद 91% लाना 10th में? सर, वो मेरी सिस्टर की कंट्रीब्यूशन थी कि उसने लास्ट में 3-4 मंथ्स मेरे को अच्छे से पढ़ाया और उसकी वजह से ही हुआ। जैसे कि आपके फादर सीए हैं, तो कहीं ना कहीं पापा ने मोटिवेट करा सीए बनने के लिए या कुछ और कहानी थी? सर, मोटिवेट तो ऑब्वियसली करा जब मैंने उनको बताया कि मैं सीए करना चाहता हूँ, बट लाइक उन्होंने नहीं डिसीजन लिया मेरे लिए कि तू सीए कर, मैंने खुद ही लिया था। वो तो चाहते थे कि मैं साइंस स्ट्रीम में जाऊँ, बट मैंने खुद कॉमर्स ली और फिर जब मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया तो फिर मैंने खुद सोचा कि अब सीए परस्यू करी जाए। तो सोचने वाली बात है कि जहाँ पर फादर जो खुद सीए हैं उनको पता है कि क्या सीए की वैल्यू है, वो चाहते थे कि मेरा बच्चा शायद और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, वो साइंस में जाना चाहिए, बट आपको लगा कि नहीं, मेरे लिए सीए इज़ द बेटर प्रोफेशन। हाँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है जो और बच्चों को भी सीखनी चाहिए, कि आपको जो पसंद है ना, आपको लगता है कि यार मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए, अगर आपने खुद से डिसाइड करा है तो आपके लिए सारी की सारी राहें आसान हो सकती हैं। इसके अलावा बेटा बच्चों को दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड, कि सर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं ये 9-10 महीने आपके सी इंटर की स्टडीज हैं, इसको कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए? सर, कंसिस्टेंसी की जो नंबर वन ट्रिक है जो मेरे लिए काम करी वो था कि स्टडीज़ में इंटरेस्ट बनाना।
जब आप किसी काम को इंजॉय करते हो तो आप ऑब्वियसली उसको बार बार करोगे। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट हो गई थी कि अब मुझे पढ़ाई में ही मज़ा आता है तो मैं पढ़ाई में ही कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो वो इंटरेस्ट से ही डेडिकेशन भी बनती थी, उसी से कंसिस्टेंसी भी बनती थी। इंटरेस्ट से ही डेडिकेशन बनती थी कि बेसिकली कंसिस्टेंसी इज अ मिथ। आपका मैं मानना है कि आप उसे पैशन बना लीजिए, हाँ जी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंट अपने आप हो जाएगा। आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पैशन बना लीजिए, उसको एंजॉय करो। ओके, अपने आप स्केड्यूल क्या रहता था पढ़ाई का, या फिर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? जैसे बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो सर इनिशियली जब मैं ग्रुप वन कर रहा था तो लाइक 11 to 7:30 क्लासेस होती थी, और उसके बाद मैं होमवर्क वगैरह करता था, और जैसे कोई चैप्टर ख़त्म होता था तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लिए। फिर जब ग्रुप टू स्टार्ट हुआ तो मैंने फिर क्लासेस का टाइम बढ़ गया, सुबह 8 o'clock से शुरू होती थी और शाम को 7:30 तक चलती थी, तो रात को बस मैं होमवर्क करता था, जो आज पढ़ा उसको रिवाइज करता था और फिर सो जाता था। तो आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, इस पर थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे कि पीपी के क्वेश्चंस करते थे, पीपी करते थे, मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या क्या मतलब, इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे? सर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस PYQs MTP RTP, मतलब जब मैं CA में आया था तो मुझे यही बोला था कि MTP RTP ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में सारे क्वेश्चंस कवर्ड है विद सॉल्यूशन। और उससे भी अच्छी बात है कि वो सारे चैप्टर वाइज डिवाइड करे हुए हैं प्रॉपरली, तो आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करने की वेट नहीं करनी पड़ेगी बिफोर यू कैन स्टार्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप एक एक चैप्टर ख़त्म करके उसको साथ साथ ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ख़त्म कर सकते हो। तो बेसिकली जो बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर हम अभी पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम ICA मॉड्यूल लगाएंगे सेकेंड टाइप में, और थर्ड टाइम में हम कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो आपने कहा बच्चों के लिए कि सर मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से ही आप कंसेप्ट करिए, पीपी क्वेश्चन। और जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा प्यारा पॉइंट लगा आपका कि आपने कहा कि मैं डेली बेसिस पे रिवीजन करता था, रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में बताइए बच्चों को। बच्चों को लगता है कि यार पहले सिलेबस खत्म कर लिया जाए फिर उसके बाद रिवीजन करी जाए, ये रिवीजन कैसे करनी चाहिए बच्चे को? सर थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो मेरी फर्स्ट रिवीजन मैं कह सकता हूँ कि मेरी साथ साथ ही हो गई थी, क्योंकि लाइक क्लास होती थी, जो पढ़ाया जाता था मैं रात को ही उसको रिवाइज कर लेता था और कोशिश करता था कि मेमोराइज भी हो जाए, जैसे लॉ ऑडिट SM, तो इसमें मैं रात को ही कोशिश करता था कि अभी साथ साथ ही इसको मेमोराइज करते चलो, मतलब मैं ये नहीं सोचता था कि बाद में भूल जाऊँगा तो अभी याद ही नहीं करता, मेरे को पता था कि अभी याद करूँगा तो नेक्स्ट रिवीजन में और फिर उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके, तो जो बच्चों के कहीं ना कहीं क्वेरी रहती है कि सर थ्योरी सब्जेक्ट है याद नहीं रहेगा मैं बाद में कर लेता हूँ, तो उसके लिए आपने कहा कि मैं स्टार्टिंग से जब पढ़ रहा था तो साथ साथ उसे रिवाइज करता रहता था ताकि बाद में एक लोड ना रहे। हाँ जी, थ्योरी पसंद था आपको सब्जेक्ट? यस सर, थ्योरी में मैं कह सकता हूँ कि लाइक फाउंडेशन तक मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते थे, बट इंटर में आके मुझे थोड़ा थ्योरी की तरफ ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस बन गई, क्योंकि लॉ ऑडिट SM ये सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी इंजॉय करता था मैं, और थ्योरी के लिए एक चीज़ में क्या फॉलो करता था कि मैं वॉक करके पढ़ता था, मैं बैठ के नहीं पढ़ता था, तो उससे नींद भी नहीं आती थी और मतलब इंटरेस्ट भी बना रहता था, तो मतलब मेरे दिन के अराउंड 20,000 स्टेप्स होते थे, मैं काउंट कर वो उस पर वॉच पे मैं देखता था, तो जब मैं थ्योरी पढ़ता था पूरा दिन मेरे दिन के 20,000 स्टेप्स हो जाते थे। तो एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है बच्चों आपको भी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है और मेंटल एक्टिविटी भी हो रही है, और गांधी जी भी कहते थे कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं याद करना चाहते हैं या तो उसे लिख के करिए और या फिर ना आप कंटिन्यू चलिए चलते हुए अगर आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में एक जाके सेट हो जाती है। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट थ्योरी के लिए, जिन भी बच्चों को दिक्कत आती है। हाँ जी, तो उनको आप क्या गाइड करेंगे? कुछ लोगों के लिए राइटिंग काम करती है, पर्सनली मेरे को रीड करने से ज़्यादा बेटर रहता था, तो मैं यही रेकमेंड करूँगा अगर आपके लिए राइटिंग बेटर है तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, अगर आपके लिए लाइक जो मेरे लिए बेटर था वॉकिंग कला तो आप वो ट्राई करो। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन हेल्प करें आपके? हाँ जी सर। कैसे? सर थ्योरी के एक्चुअली मैं क्वेश्चंस लिख के भी नहीं करता था, मैं पीपी को बस रीड करता रहता था बार बार, तो लास्ट तक तो ऐसे हो गया था जी कि जैसे मैं ऑडिट की फाइनल रिवीजन कर रहा था तो मैंने उसके लिए पीपी बुक खोली, तो मतलब वो क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ के मुझे आंसर याद आ जाता था कि इसमें ये लिखा हुआ था। बिल्कुल, एक एक चीज़ याद हो गई। हाँ जी, पीपी के क्वेश्चंस करने में एक चैप्टर के आपको कितना टाइम लगता था? सर थ्योरी में तो मतलब 1 to 1.5 घंटा ही लगता था, क्योंकि थ्योरी में मैं सिर्फ रीड थ्रू करता था, मैं रिटर्न प्रैक्टिस पीपी की नहीं करता था थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए,
उसके लिए मैं जो प्रेजेंटेशन थी वो मैंने मॉक टेस्ट में फोकस करा था थ्योरी सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, तो अभी तक अगर मैं बात समझूं तो कहीं ना कहीं थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर जो बच्चों को डर रहता है उसके अंदर आपने कहा कि मैं स्टार्टिंग से ही उसे पढ़ना चालू करा, ऐसा नहीं वेट करा कि मैं बाद में पढ़ूंगा। इसके अलावा उसको बहुत ज्यादा लिखने से ज्यादा आपने कहीं ना कहीं फोकस करा कि आप चलते चलते उसे वहां पर ट्राई करें और उसे पढ़ें और याद करें। हाँ जी, बट बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको इसे लिख के करना है या वैसे करना है। हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है वो वैसे वो रहती है कि आप लिख के ज्यादा करिए थ्योरी सब्जेक्ट, बट ये कि आप स्टार्टिंग से करिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने उसके प्रति जागरूक रहिए, ऐसा मत करिए कि एंड में करना है। बिल्कुल सही है जी। कंसिस्टेंसी के लिए भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही कि कंसिस्टेंसी सर इट्स जस्ट अ मिथ, और अगर आप उसे पैशन बना लेंगे तो कंसिस्टेंसी की बात ही नहीं आएगी, फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जैसे रोज नहाना है तो नहाना ही है ना, खाना है तो खाना ही है ना, उसके अंदर सोचना थोड़ा ना पड़ता है कि यार एक टाइम खा लिया एक टाइम नहीं खाऊंगा, या उसके लिए आपको कुछ एफर्ट थोड़ा करने पड़ रहे हैं। हाँ जी। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपकी ये जैसे आपने बताया कि सीए फाउंडेशन का जब आपने जर्नी स्टार्ट करी थी, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के अंदर बच्चों को क्या कठिनाई आती है, क्या डिफरेंट होता है और कहाँ एक स्विच होता है चीज़ों में? सर, सीए फाउंडेशन की जर्नी मेरी तो मतलब छोटी थी क्योंकि मैंने ट्वेल्थ के बिल्कुल बाद ही एग्ज़ाम्स दिए थे, 2.5 मंथ्स में ही प्रिपरेशन करके मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे। बट आई थिंक जो दिक्कत आती है वो वही है कि लोग उतना इंटरेस्ट से, आई थिंक उनका उतना इंटरेस्ट नहीं होता तो वो कंसिस्टेंसी भी नहीं डेवलप कर पाते। और बाकी डिफरेंस तो बहुत है क्योंकि सीए इंटर में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स ही रेलेवेंट हैं। और अब तो उन्होंने 8 से 6 कर दिए हैं सब्जेक्ट्स, तो अब सारा कोर्स मतलब मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ रेलेवेंट ही लग रहा था कोर्स में जो भी था। यार ये वाली बात ना तुम कह के ना दिल जीत लेते मेरा, जैसे अभी तुमने बताया कि पैशन, उसके बाद ये है कि आप उसे ना प्रैक्टिकल लाइफ से कहीं ना कहीं उसे कनेक्ट कर पा रहे थे। हाँ जी, जो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बोरिंगनेस होगी नहीं, कंसिस्टेंसी वाली पॉइंट आएगा नहीं। हाँ जी सर। प्रोक्रास्टिनेशन कहीं आपके साथ आती थी कि यार आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे? सर थोड़ा बहुत तो होता ही है, वो तो ह्यूमन नेचर है, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे रात को सब क्लासेस करके मैं थोड़ा थक जाता था तो कभी कभी हो भी जाता था, बट मोस्टली मैं कोशिश करता था कि जो मैंने गोल बनाया हुआ है डे का वो मैं कंप्लीट करके ही सोऊं। तो बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपका क्या मानना है, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए बच्चे को? सर जब मैं भी सीए में आया था तो मैंने भी सुना था कि 17-18 घंटे पढ़ना चाहिए, बट ये तो टोटली मिथ है, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। सो आई थिंक बच्चे आर्स के पीछे जाते हैं, बट आर्स को आर्स की जगह गोल्स बनाने चाहिए और दिन में वो गोल्स कंप्लीट करने चाहिए। जैसे मैं भी रात को डिसाइड कर लेता था कि कल मुझे ये सब करना है और फिर वो मैं कंप्लीट करके सोता था। कभी नहीं भी होता था तो फिर मैं उसको नेक्स्ट डे में डाल देता था और फिर नेक्स्ट डे के गोल्स में थोड़े बढ़ा देता था कि आज मैंने थोड़ा अंडर परफॉर्म करा है तो कल मैं कोप अप कर लूँगा। तो आर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, गोल्स पे फोकस करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात, मैं भी बच्चों को ये समझाता हूँ क्योंकि ना मैं कभी आज तक ना गोल बना के, मतलब गोल इन द सेंस ऑफ टाइम स्केड्यूल बना के कभी उसे फॉलो नहीं कर पाया आज तक। तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि यार अपना एक बड़ा गोल डिसाइड कर रखा है, आपने फाउंडेशन करनी है, इंटर करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे ना अगले दिन का टारगेट डिसाइड करना है और उसको पढ़ना है। और यही आपकी टेक्निक रही कि अपना टारगेट डिसाइड करा। टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे जरा इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर कोई फिक्स तरीका तो नहीं है, लाइक जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, आपको अब लग रहा है कि इस टॉपिक में मेरी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं बनी तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, या फिर थ्योरी में आप ऐसे कर सकते हो कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, अब मैं इसको 4-5 दिन बाद फिर उठाऊंगा, इसकी क्विक रिवीजन करूंगा ताकि वो याद रहे। तो ऐसे करके आप बैलेंस भी बना सकते हो कि इतनी देर प्रैक्टिकल इतनी देर थ्योरी, क्योंकि सब लोग ज़्यादा देर थ्योरी नहीं पढ़ सकते, वो बोर हो जाते हैं, तो वो फिर बैलेंस कर सकते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी को। बच्चों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट करें, आपके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई इसके अंदर आपने? सर मैंने तो एक एक ग्रुप करके ही करा था, तो मतलब ऐसे भी होता था कि एक दिन में मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा होता था, कभी कभी ऐसे भी होता था कि एक दिन में एक ग्रुप के तीनों पढ़ लेता था। मतलब क्लासेस के साथ तो तीनों ही पढ़ता था क्योंकि रोज़ रिवाइज करता था। जब सेल्फ स्टडी फेज आया तो कभी कभी ऐसे भी होता था कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या एक दिन में दो पढ़ रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है। बच्चों के लिए क्या आपको लगता है कि क्या गाइड करना चाहिए कि एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, वैसे हम हमेशा कहते हैं कि दो सब्जेक्ट करने चाहिए? हाँ जी सर, सिलेबस कंप्लीशन के लिए दो सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं या फिर एक ग्रुप पूरा भी साथ में उठा सकते हैं, क्योंकि अब तो 3 सब्जेक्ट्स ही रह गए हैं एक ग्रुप में, तो आप वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप 3 सब्जेक्ट पे एक टाइम पे फोकस कर सकते हैं
तो एक ग्रुप पूरा आप उठा सकते हैं साथ में। आपका सिलेबस कब खत्म हुआ था बेटा इंटर का? सर मेरा सिलेबस खत्म हुआ था मार्च के फर्स्ट वीक में। सिलेबस मार्च के फर्स्ट वीक में खत्म हो गया था और मई में एग्जाम्स थे। तो उसके बाद आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरीके से रिवीजन और ये सारी चीजें? मार्च का जो रिमेनिंग था उसमें मैंने फिर से जो मतलब टॉपिक्स वीक थे वो रिवाइज करे, थ्योरी तो ऑब्वियसली फिर से रिवाइज करनी पड़ती है, और अप्रैल में मतलब मेरा डिसाइडेड था कि मुझे मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं, और उन मॉक टेस्ट के लिए मैं ऐसे ही पढ़ रहा था जैसे वही फाइनल एग्जाम्स है। तो मैंने मार्च पूरा बस इसी में दिया कि मैं मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करूँ। बेसिकली मॉक टेस्ट को आपने बिल्कुल फाइनल एग्जाम्स की तरह दिया कि यही फाइनल एग्जाम्स है। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हाँ जी। आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज का आपकी इस AIR के अंदर क्या इम्पोर्टेंस रही होगी? सर टेस्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे CA एग्जाम हो कोई और भी एग्जाम हो, तो टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद को इवेल्युएट करना और कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ पे आप वीक हो किस टॉपिक में, वो बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज का तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा। आप जैसे कोर्स के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल कोर्स टेस्ट है, तो आपने कैसे मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट को पहले लिया फिर फुल कोर्स को लिया, या डायरेक्ट फुल कोर्स पे गए थे आप? सर सिलेबस जब मैं कंप्लीट कर रहा था तो वैसे ही था कि जैसे एक चैप्टर खत्म होता था फिर मैं उसके क्वेश्चंस करता था परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से, फिर साथ ही मैं चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे देता था, फिर अप्रैल में ही जाके मैंने फुल सिलेबस वाले देने शुरू करे थे। उसके अंदर जो चेकिंग फैसिलिटी होती थी फैकल्टी आपको चेक करके देती थी, वो कितनी बेनिफिशियल रही? सर वो अच्छी थी, लाइक 3-4 डेज में आ भी जाता था, ईमेल आ जाती थी कि योर पेपर हैज़ बीन चेक्ड, और उसमें मतलब डिटेल्ड क्यों मार्क्स कटे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट है वो सब लिखा होता था, और जैसे अगर मार्क्स अच्छे होते थे तो फिर उसमें रिमार्क भी लिखा होता था कि यू हैव डन गुड, और ऐसे मोटिवेटिंग कुछ लिखा होता था। वो जो चेकिंग फैसिलिटी आपको मिल रही थी उसका स्टार्टिंग जो चेकिंग फैसिलिटी जो आपको मिल रही थी, कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा फायदा आप उठा पाए कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता था, अच्छे नंबर आए, नहीं आए तो पता लगता था यार ये वाला चैप्टर वीक है। हाँ जी सर। तो और ये साइड बाय साइड हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था कि आपने वेट करा कि मेरा कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। तो बेटा बार बार हम बच्चों को आपको कहते हैं, आपको समझने की जरूरत है कि ना जो हम कहते हैं देखो वही है, बच्चा आपको सेम वही चीज कह रहा है, बट अब शायद उसकी रिलेवेंसी ज्यादा है, ये ऑल इंडिया रैंक आई है भाई, है ना, टीचर की क्या कीमत है, और वही चीज की कंसेप्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट के बाद पीपी के क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट देने हैं, चेक कराना है, और जब जो टेस्ट चेक हो क्या आएगा उसे एवेल्युएट करते थे आपका। हाँ जी, हाँ जी। कि और करेक्शन कॉपी बनाई थी? सर करेक्शन कॉपी तो नहीं बनाई थी, बट मतलब जो गलतियां होती थी, और अगर जैसे एक क्वेश्चन मेरा पूरा ही गलत था तो फिर वो मतलब मैं क्वेश्चन फिर से कर लेता था, और अगर उसमें कोई अच्छा पॉइंट था तो मैं उसका मतलब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मैंने नोट्स में फायर वो बनाए हुए थे फोल्डर, तो मैं उसमें सब्जेक्ट वाइज मैं डाल देता था कि ये क्वेश्चन मुझे फिर से देखना है, तो वही सॉर्ट ऑफ करेक्शन कॉपी हो गया एक्चुअली। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टिंग के अंदर टेस्ट जब आप देते थे तो स्टार्टिंग में लगता है यार शायद दूंगा तो नंबर कम आएंगे, ऐसा कुछ लगता था? सर वो फियर तो होता ही है, बट उस फियर को ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्कोर जैसे जैसे इंप्रूव होगा वैसे कॉन्फिडेंस आएगा फाइनल एग्जाम के लिए। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है इस एज के अंदर, हमारे से जब भी बच्चे कॉन्टैक्ट करते हैं, जब भी कनेक्ट होते हैं सेमिनार के थ्रू और किसी भी थ्रू, तो उनका एक सबसे ज़्यादा क्वेरी रहती है कि सर ये हमें लग रहा होता है कि यार हमारे जो दोस्त बंधु हैं वो कॉलेज की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हम अलाना फलाना ढिमकाना वो ये सब कर रहे हैं, और हम यहाँ पर 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं जिसके अंदर होगा भी कि नहीं होगा, कुछ और ना कर लिया जाए, इस इन सब चीज़ों को कैसे आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर पाते थे? हाँ जी, तो सर जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई को मैंने अपना पैशन बना लिया था, तो उन सब चीज़ों से तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कॉलेज में इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली कॉलेज मैंने जान के ही मैं रेगुलर कॉलेज मैंने नहीं ऑप्ट करा था ताकि मैं CA पे पूरा फोकस दे सकूं, और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए मैंने सोशल मीडिया सब मेरा अनइंस्टॉल्ड ही था जब CA की जर्नी मतलब इंटर की जर्नी स्टार्ट हुई थी अगस्त सितंबर में, तब से मैंने सब कुछ अनइंस्टॉल कर लिया था, मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप के अलावा और कुछ भी नहीं था। व्हाट्सएप किस लिए? सर व्हाट्सएप पे टीचर से कनेक्ट करने के लिए, और मतलब मेरे घर वाले भी सब व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी, दैट्स व्हाई वो था। अदरवाइज जो बच्चों को लगता है कि यार एक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें रिलीफ देते हैं, आराम देते हैं जब हम थक जाते हैं, आपने कहा कि मेरा वो अनइंस्टॉल कर दिया था, बच्चे पेपर के 3 दिन पहले तक वो चला रहे होते हैं, तो आपके आपके लिए वो काम नहीं करा, आपने कहा कि मैंने अनइंस्टॉल कर लिया था, और शायद वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो बच्चे जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि
उसके थ्रू कहीं ना कहीं रिलैक्स करना चाहते हैं। आप रिलैक्स के लिए क्या अपनाते थे? सर एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसने भी मेरे साथ ही सीए स्टार्ट करा था, उसका भी हो गया क्लियर मेरे साथ ही, तो मैं उससे भी बातचीत होती रहती थी। वो अब बताता था कि आज मैंने ये गोल्स बनाए, मैं इधर पहुंच गया, तो उसके साथ डिस्कशन होती थी। तो ये भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ एक होना चाहिए फ्रेंड जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स, और जो मतलब उसको भी पढ़ाई में वैसे इंटरेस्ट था जैसे मेरे को है, तो हम ऐसे बातचीत करते रहते थे। परफेक्ट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज को क्या परसेंट वेटेज देना चाहेंगे और किस तरीके से, मतलब बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो क्या किस तरीके से करें? सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ स्टडी के बिना कोई पास भी नहीं हो सकता, और उसके अलावा सेल्फ स्टडी के बाद है टेस्ट, और टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ स्टडी में जैसे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो है वो बहुत काम आती है, वो एक तरह से टेस्ट ही हो जाता है कि आप क्वेश्चन देख के कर रहे हो, फिर आप सोल्यूशन चेक कर रहे हो, वो मतलब एक तरह से सेल्फ टेस्ट होता है। और टेस्ट सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो जैसे मैंने कहा एक्चुअली मैंने ICI का भी मॉक टेस्ट दिया था जो वो कंडक्ट करते हैं, उसका सीरीज़ 2 मैंने ICI की ब्रांच पे जाके दिया था। इवन दो वो चेक्ड आंसर शीट्स रिटर्न नहीं करते बट सिर्फ मार्क्स बताते हैं, बट उससे भी मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। कितने मार्क्स आए थे आपके? सर उसमें मेरे 456 मार्क्स आए थे। 456 मार्क्स, और कहीं ना कहीं 456 से लेके वो 519 तक का जो सफर है वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू ही हो पाया। हाँ जी सर। तो बच्चे जो सोचते हैं कि यार ICI का मॉक टेस्ट है क्यों देना है, जाके ऑफलाइन में क्यों टाइम वेस्ट करना है, अपने कहा नहीं यार वो भी जाके फील लेनी चाहिए कि यार एक फील है। वैसे तो आप सारे टेस्ट इस तरीके से देते थे कि मेरा फाइनल एग्जाम है। हाँ जी सर। ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट को सीरियसली लेना, चाहे सिंगल चैप्टर टेस्ट भी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या कंक्लूजन रहेगा मतलब पूरी सीए जर्नी के अंदर, और अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जो आपके जूनियर्स हैं और उनको क्या गाइड करना चाहोगे कंक्लूजन के रूप में? सर सबसे पहले तो मैं वही कहूँगा कि पढ़ाई को अपना पैशन बनाओ, वो ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वही है कि जैसे लोग फटाफट सिलेबस भी ख़त्म करने के लिए भागते हैं, तो मैंने वो नहीं करा। इट्स बेटर कि आप टाइम लेके उसको और बेटर करो, फटाफट ख़त्म करने की कोशिश मत करो। तो मेरी जर्नी में अगर मैं मतलब परसेंटेज वाइज बताऊं तो सबसे ज़्यादा रोल तो सेल्फ स्टडी का ही था, अराउंड 40% सेल्फ स्टडी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ जो मैंने ICI के भी मॉक टेस्ट दिए, ई स्कॉलर्स के भी दिए, तो उसका भी अराउंड 20-25% वेटेज, और परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का भी 20-30% वेटेज, और बाकी जो कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने पढ़ा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कंसेप्ट आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं। हाँ जी। जो मैटर करेगा पास होने के लिए या रैंक लाने के लिए। हाँ जी। वो मैटर करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। हाँ आपने टेस्ट कितने दिए हैं, उनको एनालाइज कितना करा है, रिविजन कितनी बार प्लान करी है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। हाँ जी। कि जो बच्चा कहीं ना कहीं 10th तक उस लेवल की पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं था, 12th के बाद उसने सोचा कि यार 12th में सोचा उसने कि यार मेरे को CA बनना है, और उसके बाद उसने फाउंडेशन में 320 मार्क्स एंड इंटर के अंदर ऑल इंडिया रैंक 3, शायद अभी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी चीज़ कर दी है। और मेरे को जो सबसे जो प्यारी बात लगी बच्चे की कि उसने बहुत ऑनेस्ट आंसर दिए, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा हम्बलनेस, वरना हम देखते हैं कि पास होने के बाद फाउंडेशन इंटर पास होने के बाद बच्चों के अंदर एक एरोगेंस आ जाती है, ठीक है आप डिजर्व करते हैं, बट जो हम्बलनेस मेरे को दिखी बच्चे के आंसर्स में ना, वो कहीं ना कहीं काबिलियत तारीफ है। और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज अ टीचर, जब हम बच्चों से बात करते हैं उनके कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को जानते हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे वो बोली आपने बताई कि क्या कहते हैं, मैं चलते चलते कहीं ना कहीं याद करता था। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखने को मिलती हैं जो हम आगे आपको गाइड कर पाते हैं। तो बेटा एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि स्पिरिचुअलिटी का आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी अगर है तो कहीं ना कहीं वो कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी लाइफ में? सर एक्चुअली मैंने 12th क्लास में मैंने अपने शेड्यूल में ये बनाया था कि मैं रोज़ 15-20 मिनट्स गुरुद्वारे ज़रूर जाता था। ओके तो 12th से ही मेरा थोड़ा स्टार्ट हुआ, मैं रिलीजियस हो गया, और उसके बाद से मैंने नोटिस करा है कि मतलब मेरी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, और वो मैं अभी भी जाता हूँ रोज़ गुरुद्वारे 15-20 मिनट्स में ज़रूर जाता हूँ। तो उससे मुझे लगता है कि लाइक जो भी लाइक मेरे फेवर में जो चीज़ें हो रही हैं वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ जी। और कहीं ना कहीं मम्मी पापा का योगदान के बारे में बताएंगे कुछ?
सर उनका तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा योगदान है, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट करा है। मेरे फादर, आपने जैसे कहा कि सीए है वो भी, तो उनसे भी मैं डिस्कस करता रहता था। जैसे मैंने जब आईसीआई के मॉक टेस्ट भी दिए थे तो हर टेस्ट के बाद हम रात को पूरा पेपर बैठ के डिस्कस करते थे कि जैसे एमसीक्यू की इसका ये होगा, इसका वो होगा, और बाकी भी हम डिस्कस करते थे। और मम्मी भी जैसे मुझे पूछती रहती कि तेरे को कोई टेंशन तो नहीं है, और बाकी पूरा सपोर्ट करती थी। कोई भी काम होता था तो वो मतलब कर देती थी ताकि मैं पढ़ाई पे फोकस कर सकता हूँ। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मानित जी को सबसे पहले तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। अभी शायद बच्चे को नहीं समझ आ रहा है ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, पर शायद आगे जाके पता लगेगा। लाखों बच्चों के अंदर ऑल इंडिया रैंक 3 आना मजाक नहीं है बिल्कुल भी। तो मानित जी की इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मानित जी का, और साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं उनका ये जो मोटिवेशन है, ये जो कंसिस्टेंसी है, लगातार बनी रहे, इसी वजह से एक छोटा सा स्कॉलरशिप अमाउंट ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी टीम देना चाहता है मानित सिंह जी को। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मनित के साथ अपना रैपिड फायर राउंड। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है अर्ली मॉर्निंग स्केड्यूल या लेट नाइट स्केड्यूल। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। सर लेट नाइट। कार्टून या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स? सर कार्टून। शूज या सैंडल्स? सर शूज। वेनिला या चॉकलेट? सर चॉकलेट। हिंदी सॉन्ग्स और इंग्लिश सॉन्ग्स? सर इंग्लिश। तो आइसक्रीम या गुलाब जामुन? सर आइसक्रीम। शिमला या आपका जयपुर यानी कि राजस्थान? सर शिमला। घर की रोटी या पिज्जा? सर पिज्जा। नॉवेल्स या कॉमिक्स? सर कॉमिक्स। चेस या मोबाइल गेम्स पबजी? मोबाइल गेम्स। आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स? सर इंडोर गेम। धोनी या कोहली? सर ये दोनों ही मेरे फेवरेट्स हैं, बट आई चूज धोनी। फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व है या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज? सर स्पिरिचुअल में ही ज्यादा इन्वॉल्व। ओके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। इंस्टाग्राम या लिंक्डइन? सर इंस्टाग्राम। आपने जो इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी है, ओके दिस इज फ्रॉम सेल्फ मोटिवेशन या थोड़ा सा प्रेशर में? सर सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, तो इसके बारे में एक दो लाइन बता सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन? जब मैं कॉमर्स फील्ड में आया तो मुझे स्टडीज में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, तो स्टडी मेरा पैशन बन गया, तो वो सेल्फ मोटिवेशन से ही मुझे पढ़ाई में मज़ा भी आता है और फिर रिजल्ट जब आता है तो अच्छा भी लगता है। आपने जो लाइन बोली कि स्टडी पैशन बन गया, बहुत कम सुनने को मिलता है कि पढ़ाई किसी का यहाँ पे पैशन है। सो दैट्स इट फ्रॉम द रैपिड फायर राउंड एंड थैंक यू वेरी मच मनित फॉर योर टाइम। लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट वॉज मेड बाय मानित। हमने इसको जब इनिशियली इसने बोला कि आई वॉन्ट टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, देन आई टोल्ड हिम दैट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तेरे को कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एंड आई ऑलवेज इंस्पायर्ड कि अगर सीए का फ़ायदा तब ज़्यादा है कि जब ये किसी बड़ी टॉप 4 से आर्टिकलशिप करे, उसके लिए रैंक लाना ज़रूरी था। तो आई टोल्ड हिम देखिए अगर तुम टॉप 50 में आओगे तभी ही करियर बेटर रहेगा, और ये तभी से ये एम लेके चला कि मेरे को टॉप 50 में आना है। एंड ही स्टडीड अराउंड 12 टू 16 आवर्स पर डे, और मैं इसको साथ साथ पूछता था कि क्या कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, किसके टेस्ट चल रहे हैं। हम आपस में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भी डिस्कस करते थे ऑन रेगुलर बेसिस, एंड दैट ओनली हेल्प हिम टू अचीव इट। स्कूल से हर पीटीएम से जो मैं इसकी कंप्लेंट्स लेके आती थी, वहाँ से आज इसने मुझे यहाँ इस मंच पे इसने मुझे बिठाया है कि मैं एक्चुअली इसके बारे में कुछ बोल सकूँ। तो बस यही है कि इसको मैं हमेशा यही कहती थी कि बेटा मेरी आपसे बस यही एस्पायरेशन है कि आप पढ़ाई करो और बहुत सारी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि मेरा पेट भर जाए, क्योंकि मुझे ब्रांड्स और कपड़ों का शौक़ नहीं है, ना मुझे ज़्यादा कहीं घूमने फिरने का शौक़ है, लेकिन ये शौक़ मुझे ज़रूर था कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें। और मैं आई एम ग्रेटफुल कि मानित ने मेरी वो जो एक इच्छा थी वो मानित ने पूरी की है, और आगे अभी क्योंकि इसकी सीए फाइनल अभी इसकी रहती है एंड आई होप कि ये आगे भी उसको कंप्लीट करेगा और ऐसे ही मुझे खुश करता रहेगा मेरा बच्चा।
तो सर आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से सीए की जो जर्नी है वो एक स्टूडेंट की नहीं है, पूरी की पूरी फैमिली की है, माता पिता का कितना बड़ा योगदान है एक सीए की जर्नी के अंदर, और साथ ही साथ जो सीए की जर्नी है वो आसान है अगर आप उसे पैशन बना लेंगे और इसी तरीके से उसे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आज जो हमने यहाँ पे मानित सिंह जी से बात करी तो बहुत कुछ सीखने से मिला उनसे हमें कि, और मुझे मतलब मेरा ये मानना है कि आज का जो हमारा ये सेशन था थोड़ी देर का, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़रूर देखेंगे, चाहे वो सीए फाउंडेशन के हो, इंटर के हो, फाइनल के हो, या वो किसी और प्रोफेशनल कोर्स में इन्वॉल्व हो, क्योंकि ऐसी जर्नी ही हमारे जो एस्पिरेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है अपने एग्जाम्स के लिए। और आप सभी जानते हैं कि ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी आपकी इस जर्नी में स्टार्ट से लेके एंड तक हमेशा आपके साथ रहेगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है, मिलते हैं ऐसी ही किसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।